हेलो फ्रेंड्स, वन सेकेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रोफेसर राधारमन सिंह एंड राइट नाउ आई एम टीचिंग यू सर्कल। बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स आप सर्कल्स में देख चुके होंगे और हर वीडियो लेक्चर में एक नया कंटेंट आपको मिलता होगा, ठीक है। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, अगर आपके अंदर इच्छा है कि हम मैथमेटिक्स जानें, मैथमेटिक्स सीखें, ठीक है, तो आपको हर वो लेक्चर जो मैंने आपको YouTube प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड किया है, आप उसको ज़रूर देखें, ठीक है। तो अगर आप लोग में से कुछ ऐसे भी बंदे होंगे जिसको कि मैथमेटिक्स में मन नहीं लगता होगा, ठीक है, अच्छा बोरिंग लगता होगा, तो कोई भी चीज़ जब उसमें आप इंटरेस्टिंग वे में नहीं पढ़ेंगे तो आपको वो बोर लगने ही लगने हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हर वो लेक्चर जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपका बोर ना हो, वो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप शुरू से पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक वे से पढ़ेंगे, तो आपको वो लेक्चर्स बहुत इजी वे में समझ में आएंगे और वो इंटरेस्ट आपको जगेगा। अगर आपके अंदर में इंटरेस्ट नहीं है तो धीरे धीरे इंटरेस्ट आप में जगेगा और फिर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो वो चैप्टर्स भी आपको समझ में आएगा और आगे जाने की इच्छा में भी होगी, ठीक है। तो सर्किल के ही कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए अब एक नए कॉन्सेप्ट्स को लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज आगे के चैप्टर्स में भी होने वाले हैं। तो वो है आपका एंगल बिटवीन टू कर्व्स। एक्चुअली हमको पढ़ना था एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, लेकिन क्योंकि ये एंगल बिटवीन टू कर्व्स जो है सिर्फ सर्कल तक ही सीमित नहीं है। ऐसा भी पूछ सकता है कि दो पाराबोला के बीच का एंगल बताइए, ऐसा भी पूछ सकता है कि एक पाराबोला एक इलिप्स अगर कट किया तो इसके बीच का एंगल बताइए। तो उस केस में हम एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट आपको हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि कभी भी अगर आपको दो कर्व दिया हुआ हो और वो दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहा हो और उसके बीच का एंगल पूछ रहा हो तो आपके अंदर में हेजिटेशन नहीं रहे कि हम उसका एंगल कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ हम आपको क्या करने जा रहे हैं, एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं जिसके हेल्प से कोई भी दो कर्व रहे अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो 100% एंगल बनाएगा और वो एंगल आप इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर वो चीज़ आपको करना है, अगर इजी वे में एंगल पता करना है तो ये कॉन्सेप्ट जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्या कॉन्सेप्ट है तो जरा सा देखो, मैंने हेडिंग बनाया है एंगल बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है। मैंने ये नहीं लिखा है टू सर्कल्स, टू पाराबोला, वन पाराबोला, वन सर्कल। हमें एक जनरल कर्व लेना है और हमको ये पता है कि हम लोग जो भी कर्व पढ़ रहे हैं वो 2 डिग्री कर्व होता है। इसका मतलब हम लोग डिस्कशन जो भी कर रहे हैं वो प्लेन में कर रहे हैं, ठीक है। और प्लेन में जो कर्व होता है उसमें भी नॉन कर्व ही पढ़ने हैं, जैसे कि पाराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल, ये जो पढ़ रहे हैं ये सब नॉन कर्व है, ठीक है। इसके अलावा भी कर्व्स हैं टू डायमेंशनल, लेकिन वो हमको नहीं पढ़ना है। जितना पढ़ना है उतने तक ही सीमित रहते हैं। चलिए, तो कहता है कि एंगल बिटवीन टू कर्व्स। तो हम लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक मतलब पीछे चल जाते हैं। हमने एक चैप्टर पढ़ा था स्ट्रेट लाइन, और जब हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ लिए थे तो उसमें सबसे पहला मतलब उसके बाद का जो लेक्चर वीडियो था वो प्रोवाइड किए थे आपको हम एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन में। इसका मतलब हम लोगों को दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल पता है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप m है, एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप m1 है, दूसरे स्ट्रेट लाइन का स्लोप m2 है। तो अगर उसके बीच का एंगल थीटा होता है तो tan थीटा इज इक्वल टू लिखे थे m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। तो उसी इसका मतलब दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल हमको पता है, लेकिन हमको पता क्या करना है, दो कर्व के बीच का एंगल। तो जरा सा इसके डेफिनेशन को देखते हैं तो आपको पता हो जाएगा कि एक्चुअली करना क्या है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स ड्रॉन टू दी रेस्पेक्टिव कर्व्स कहां पर, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये इसका बेसिक फंडा है। कहने का मतलब
जब दो कर्म, मान लो ये दो कर्म है, एक कर्म है आपका s इक्वल टू जीरो और दूसरा कर्म है s डैश इज इक्वल टू जीरो। ये दोनों कर्म क्या है हमको नहीं पता है, जनरल टाइप का कर्म है। ये दोनों कर्व जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, सपोज दैट मान लो कि पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो पी पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दोनों कर्व पर, मतलब रिस्पेक्टिव कर्व पे आप क्या करेंगे, टेंजेंट खींचेंगे। तो एक इस कर्व पर एक टेंजेंट खींच लिया, ये मान लो पी है, ये टी है, और ये दूसरा इस कर्व पर एक टेंजेंट खींच देते हैं, तो ये हो जाएगा पी और ये मान लो टी नॉट, ठीक है। तो दो टेंजेंट हो गया, इस कर्व पर टेंजेंट क्या हो गया, पी टी, और इस कर्व पर टेंजेंट क्या हो गया, पी टी नॉट। और ये दोनों टेंजेंट कहाँ पे ट्रेस किया जा रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे ही। तो इन दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा, मान लीजिए सपोज दैट एंगल थीटा है, तो वही एंगल इन दोनों कर्व के भी बीच का हो जाएगा। यही मेरा जनरल कॉन्सेप्ट है जो कि आपको दिख रहा है, ठीक है। मीन्स कभी भी आपको दो कर्व के बीच का एंगल निकालने के लिए कहे तो आप क्या करेंगे, उस दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर आप टेंजेंट ट्रेस कर लेंगे, और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा वही कर्व के बीच का एंगल होगा। यही ये थ्योरी आपको बता रहा है, ठीक है। तो हम लोग को ये पता चल गया कि एंगल बिटवीन टू कर्व्स क्या हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने कंटेंट पे, अपने टॉपिक पे, क्योंकि हम लोग का जो चैप्टर है वो है सर्कल, तो हम लोग पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, ठीक है। तो चलिए हेडिंग बनाते हैं एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। हेलो दोस्तों, चलो देखो हम यहाँ दो सर्कल ट्रेस कर रहे हैं, और ये दोनों सर्कल जो है थोड़ा सा बिगर साइज में बना रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। ये दो सर्कल है जो कि मैंने ट्रेस किया, इस सर्कल का यहाँ पे सेंटर हो जाएगा सी वन मान लो, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो आपका है सी टू मान लो, ठीक है। इसी पॉइंट पर हमको क्या करना है, टेंजेंट खींचना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पर, मतलब दोनों सर्कल पर आप क्या कीजिएगा, टेंजेंट ट्रेस कर लीजिए। तो एक टेंजेंट आपका ये हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा टेंजेंट ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस टेंजेंट, ये तो हो गया आपका, ये मान लो P पॉइंट है आपका। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये टेंजेंट है और ये P पॉइंट पर टेंजेंट ट्रेस किया गया है, तो सेंटर से P पॉइंट को मिला देते हैं। तो C1 से P को मिला दीजिए डॉटेड लाइन में, ठीक है, डॉटेड लाइन में मिला देते हैं। सेंटर से P, C1 को P से मिलाते हैं, तो जहां भी मिला वो वहां पर क्या करेगा, एक लाइन सेगमेंट बनाएगा और जो कि 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि हमको पता है कि टेंजेंट जिस भी पॉइंट पर ट्रेस हो उस पॉइंट पर सेंटर से मिलाएंगे तो वो जो लाइन होगा वो हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, ऐसा ज्योमेट्री कहता है, हम नहीं कर रहे हैं। चलिए फिर आते हैं C2 पे, अब फिर क्या करेंगे, C2 से P को डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। तो C2 से P को डॉटेड लाइन में मिला दो, तो ये जो डॉटेड लाइन है मतलब C2P, ये इस टेंजेंट के साथ कितना डिग्री बनाएगा, तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा, क्लियर। चलिए आइए अब हम क्या करते हैं, ये 90 डिग्री हो गया, दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल जो है उसको हम लोग मान लेते हैं क्या, तो थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा। अब दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है, आपको पता होगा, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है वो सेम होता है, तो ये भी थीटा हो गया, तो इधर भी दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर दोनों कर्व के बीच का जो एंगल है उसको आप मान लो अल्फा, ठीक है। तो दोनों कर्व के बीच का एंगल जो है वो हम मान लेते हैं अल्फा, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो हो गया मेरा अल्फा, और यही हमको अल्टीमेटली क्या करना है, निकालना है। आई होप कि आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने यहाँ क्या किया, कुछ माना है लेट, यहाँ ले लिए एंगल बिटवीन दी टेंजेंट्स, टेंजेंट्स टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना माने हैं, थीटा, और यहां एंगल बिटवीन दी सर्कल,
सर्कल्स के बीच का एंगल कितना माना है? अल्फा। चलिए, एक कंप्लीट राउंड जो होता है वो 360 डिग्री एंगल बनाता है, ये आप भी जानते हैं, हमको भी पता है। तो एक कंप्लीट राउंड 360 बनाएगा, तो हम यहां से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो ये आप देख सकते हो, इसके बीच का एंगल अल्फा। एक मिनट, हाँ हेलो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा यहां देख सकते हैं, ये दोनों जो डॉटेड लाइन है, मतलब ये क्या कर सकते हैं, ये रेडियस वेक्टर हो गया। ये जो रेडियस वाला पार्ट है C1 से लेकर के P तक, ये जो डॉटेड लाइन है, और ये जो C2 से लेकर के P तक डॉटेड लाइन है, उन दोनों डॉटेड लाइन के बीच का एंगल हो गया अल्फा। तो ये पूरा राउंड कितना हो जाएगा? ये दोनों लाइन के बीच में हो जाएगा अल्फा। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 90 प्लस थीटा प्लस 90, वन कंप्लीट राउंड मतलब 360। तो यहां लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर से क्या लिख सकते हैं कि एक कंप्लीट राउंड मतलब अल्फा प्लस ये पूरा अल्फा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, प्लस ये हो जाएगा आपका थीटा, प्लस ये हो गया फिर 90 डिग्री, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री कंप्लीट राउंड। तो यहां से ये जो दोनों डॉटेड लाइन के बीच का एंगल है अल्फा, ये हम निकाल लेंगे। तो दियर फोर अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, तो 360 में 180 घटेगा तो 180, और माइनस यहां हो जाएगा आपका थीटा। तो ये हो जाएगा अल्फा, कौन सा वैल्यू अल्फा है, ये दोनों डॉटेड लाइन के बीच का एंगल क्या हो गया, अल्फा हो गया। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, याद कीजिए यहां थीटा जो है वो आपका क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स थीटा। तो एंगल बिटवीन कर्व भी क्या होगा, थीटा ही होगा, ठीक है, दोनों सेम ना होगा। हम अभी जस्ट बताएं आपको कि दो कर्व के बीच का एंगल मीन्स दोनों के टेंजेंट के बीच का एंगल, जब टेंजेंट के बीच का एंगल थीटा है तो ये इंप्लाई क्या कर रहा है, एंगल बिटवीन सर्कल्स भी क्या होगा, थीटा ही होगा। इस कंस्ट्रक्शन से हमको यहां अल्फा का वैल्यू निकाल लिया जो कि 180 डिग्री माइनस थीटा हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, यहां पर इस ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल जी, तो C1PC2, यहां लिखेंगे C1PC2, ठीक है, जो कि एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल आपको पता है अल्फा। तो हम लोग यहां कोसाइन फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, इतना यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाता है, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू ये, तो ये जो हो जाएगा, ये रेडियस है R1 और ये रेडियस है R2, C1 C2 के बीच का डिस्टेंस आप d मान लीजिए। तो ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 R1 R2। ये जो है आपको कहाँ पढ़ना है, तो ये ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में, ये फार्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं कोसाइन फार्मूला। तो कोसाइन फार्मूला से आप ये लिख सकते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, इधर आपको दिखाने जा रहे हैं, थोड़ा सा कैमरा को उधर मैं फेस कर देता हूं, ये आप देख सकते हैं। चलो तो यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे तो हो जाएगा दियर फोर कॉस, जहां अल्फा है उसके जगह में कितना लिखेंगे, 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस d स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ R1 R2। तो यहां से एक फॉर्मूला आपको मिल गया जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं क्या, यहां से थीटा जो भी निकलेगा वो आपका एंगल निकल जाएगा, तो यहां से आप एंगल पता कर सकते हैं। लेकिन अब हमको क्या करना है, यहां पर मान लो कि सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, सपोज करते हैं कि सर्किल का इक्वेशन आपको क्या है, प्रोवाइड है। यहां मान लो कि S दिया हुआ है, सर्किल का इक्वेशन है x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी वन एक्स प्लस टू एफ वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल जीरो। दूसरा सर्कल है एस डैश जो कि है आपका, या इसको एस वन मान लो इसको एस टू मान लो, एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी टू एक्स प्लस टू एफ टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल जीरो। तो इस केस में ये डाटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बोलो कितना हो जाएगा, तो दियर फोर ये हो जाएगा कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू आर वन का स्क्वायर, मतलब पहला वाला सर्कल का रेडियस, तो हो जाएगा जी वन का स्क्वायर प्लस एफ वन का स्क्वायर माइनस सी वन इतना का होल स्क्वायर प्लस आर टू, मतलब ये हो जाएगा जी टू का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर माइनस सी टू का स्क्वायर रूट का स्क्वायरिंग इतना हो गया, और माइनस डी मतलब दोनों के सेंटर्स का बीच का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा माइनस जी वन प्लस जी टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस एफ वन प्लस एफ टू का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट, फिर क्या करेंगे स्क्वायरिंग कर देंगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे टू आर वन आर टू, इतना रहने दीजिए। ऊपर सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे ही ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता है क्या मिलेगा, आपको मिलेगा टू जी वन जी टू, ठीक है, प्लस टू एफ वन एफ टू, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस सी वन माइनस सी टू, क्योंकि बाकी सब टर्म जो है वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा टू आर वन आर टू, ये आपको कंडीशन मिल जाएगा, ठीक है। तो कभी भी हमको दो सर्कल दिया हुआ है और बीच का एंगल निकालना है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये आप देख सकते हो, उधर मैंने कुछ नहीं किया, दो सर्कल ले लिया, ठीक है, और दोनों सर्कल का इक्वेशन ले लिया, तो उस केस में अगर हम R1 R2 का वैल्यू रखते हैं तो एक डाटा हमको मिल जाता है 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 माइनस C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई 2R1 R2। नीचे में भी R1 R2 का वैल्यू हम रख सकते थे लेकिन हमने रखा नहीं, ठीक है। एक्चुअली हमको दिखाना है यहाँ पर ऑर्थोगोनल टेंजेंसी, ठीक है, ऑर्थोगोनल का कंडीशन। तो अब हम आगे देखते हैं, हेलो फ्रेंड्स, हमने हेडिंग लिखा है ऑर्थोगोनल सर्कल्स एंड कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। ये ऑर्थोगोनल सर्कल्स क्या होता है, कहता है कि जब दो सर्कल आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेगा तब उस केस में वो दोनों सर्कल ऑर्थोगोनल सर्कल्स हो जाएगा। कहने का मतलब जब दो सर्कल्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तब उस केस में वो दोनों सर्कल्स क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल कहलाएगा। तो यहां लिखेंगे टू सर्कल्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। और तो यहां लिखेंगे इफ टू सर्कल्स आर, अगर दो सर्कल हैं क्या क्या है, तो एक सर्कल मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स टू जी वन एक्स प्लस टू एफ वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल जीरो है, और दूसरा सर्कल है एस टू जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी टू एक्स प्लस टू एफ टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। हम मान लेते हैं कि लेट एंगल बिटवीन टू सर्कल्स इज थीटा, ठीक है, तो देन वी हैव ऑलरेडी हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टू जी वन जी टू प्लस टू एफ वन एफ टू माइनस सी वन माइनस सी टू डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ आर वन इंटू आर टू। यहाँ मेंशन कर सकते हैं वेयर R1 क्या है, तो R1 है स्क्वायर रूट ऑफ G1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर माइनस C1, और R2 है स्क्वायर रूट ऑफ G2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस C2, ठीक है। अब बताइए जब कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी हमको पता है, यहाँ लिख सकते हैं 4
ऑर्थोगोनल सर्कल्स। अगर हम ऑर्थोगोनल सर्कल्स की बात करें तो थीटा मस्ट बी कितना होगा, तो थीटा मस्ट बी 90 डिग्री। दिस इंप्लाई कॉस 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, मतलब कितना हो गया कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, और 0 कब होगा जब आपका न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, मतलब 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका कंडीशन है, और इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। तो दिस इज कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। और आपको बता दें कि इस कंडीशन से डायरेक्ट जो है एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको एंगल बिटवीन टू सर्कल्स और ऑर्थोगोनल सर्कल्स और कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी समझ में आ गया होगा। तो ये लेक्चर जो है कंप्लीटली आपका इसी पर बेस्ड था। क्या था ये, कि दो कर्व के बीच का एंगल क्या होता है। जब हम ये जान लिए कि दो कर्व के बीच का एंगल क्या होता है, तो हम उसी के रेफरेंस को आगे बढ़ाते हुए हमने दो सर्कल के बीच का एंगल भी जाना, और जब दो सर्कल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेगा तो ऑर्थोगोनल सर्कल्स कहलाएगा। तो पूछता है कि व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी, तो यू हैव ए कंडीशन एंड यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस कंडीशन। दिस इज 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। दिस इज द कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी ऑफ द टू सर्कल्स, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, और ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगले क्लास में मैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप वीडियोस देखते रहिए, और अगर कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आप बारंबार देखिए, आपको वो चीज़ दूर हो जाएगा। और अगर तब भी दूर नहीं होती है तो उसका प्रॉब्लम्स वाला वीडियो जो है वो ज़रूर देखिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड हैप्पी लर्निंग।